वेलकम टू मैथ एक्सिस। तो आज का जो वीडियो है आप सभी सीबीएसई क्लास 9 के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप सभी स्टूडेंट्स के दिमाग में इस समय कन्फ्यूजन चल रहा होगा कि हम लोग का हाफ ईयरली एग्जाम क्लास 9 का कब होगा। क्योंकि आप सभी अब क्लास 9 में आ गए, आपके दिमाग में टेंशन होगा कि भाई हाफ ईयरली एग्जाम हमारा कब होगा, कैसा पेपर आएगा। तो मैं आप सभी स्टूडेंट्स को बताना चाहूँगा कि जो सीबीएसई बोर्ड का ऑफिशियल शेड्यूल है हाफ ईयरली एग्जाम के लिए, कि आप सभी का जो हाफ ईयरली एग्जाम है या फिर कह लें आपका P2 एग्ज़ाम है, वह 15 सितंबर के बाद से आपके स्कूल के द्वारा कंडक्ट किया जाएगा। अब ये जो एक 15 सितंबर का डेट है, इसके बाद से ही आपके हाफ ईयरली एग्ज़ाम स्टार्ट होंगे। अब कोई स्कूल इसको 15 सितंबर के जस्ट बाद स्टार्ट कर सकता है, कोई स्कूल इसको अक्टूबर के फर्स्ट वीक में स्टार्ट करेगा, तो ये डिपेंड करता है आपके स्कूल पर। लेकिन सीबीएसई बोर्ड का जो एक क्राइटेरिया है कि 15 सितंबर से लेकर के 15 अक्टूबर तक आप सभी का हाफ ईयरली एग्ज़ाम हो जाना चाहिए, तो 100% आपके स्कूल द्वारा इस टाइम लिमिट के बीच में, यानी कि 15 सितंबर से लेकर के 15 अक्टूबर या फिर कह सकते हैं 20 अक्टूबर तक आपका हाफ ईयरली एग्ज़ाम 100% कंडक्ट किया जाएगा। तो आप सभी क्लास 9 के स्टूडेंट्स अपने हाफ ईयरली एग्ज़ाम की प्रिपरेशन की तैयारी अभी से शुरू कर दें। और आपको जो कुछ भी हेल्प हमारे द्वारा चाहिए आप हमें कमेंट कर सकते हैं, वो हर एक वीडियो आपको प्रोवाइड की जाएगी। थैंक यू बहुत है इतना।